भारत बनाम पाकिस्तान यह खेला जा रहा है कलकत्ते के ईडन गार्डन स्टेडियम में, एक ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स का और उतना ही ऐतिहासिक शहर कोलकाता। ईडन गार्डन्स का ये मैदान खचाखच भरा हुआ समर्थक, हालांकि बारिश हुई जरूर थी थोड़ी देर पहले तक, लेकिन समर्थक अभी भी स्टेडियम है मौजूद, स्टैंड्स भरे हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से शर्जील खान, अहमद शहजाद, हफीज, उमर अकमल, शोएब मलिक और सरफराज, ये छह बल्लेबाज, ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी। लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया कि चार तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे, तो ना मोहम्मद नवाज है ना इमाद वसीम है। भारत की तो हादसे में वही टीम होती है। पहली गेंद और पहली गेंद पर ही शॉट लगा बैठे शर्जील खान, कुछ वैसे ही खेलते हैं। इमेजिन के शर्जील का रोल है जैसे गुरु आपका होता था कि आपने T20 फॉर्मेट में शुरू से ही शुरू हो जाना, जहाँ बॉल मिले मगर आप बॉल का वेट भी करते थे, कई दफ़ा आप एक आधा बॉल रोकते भी थे ताकि आपको पेस पता लगे, आपकी पाँव की मूवमेंट ठीक हो। जी हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है कि वो खिलाड़ी अपने एरिया में जब बॉल गिरती है उसका इंतजार करता है। रविचंद्रन अश्विन करेंगे नई गेंद। सबसे सफल नई गेंद के गेंदबाज बने हैं हाल ही में रविचंद्रन अश्विन, लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने नई गेंद ली थी तो बल्लेबाजों का रवैया बड़ा साफ था कि हम जब तक सिर्फ दो फील्डर बाहर हैं अश्विन के खिलाफ शॉट लगाएंगे, और काफी रन भी बनाए उन्होंने। देखना यह शर्जील कैसा खेलता है, किधर को मारता है, मिड ऑफ पीछे है, और ये देखिए टर्न, फाइटर डिलीवरी, और इसीलिए टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग का डिसाइड किया है। जो नमी है उससे बॉल थोड़ा ग्रिप करें। ये पहला चौका बना पाकिस्तान का, पैड पर मिली गेंद और जैसे ही मिली शर्जील ने पूरा फायदा उठाया। तीन ओवर के बाद 12 रन बिना कोई विकेट खोए। ये शॉट खेला आखिर उन्होंने, खेलना जरूरी था पाकिस्तान के लिए और सही गेंद चुन के खेलना जरूरी था उनके लिए। बिल्कुल गैप में मारा, विद द स्पिन मारा मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान, और सेंसिबल अकलमंदी यही है कि इस अश्विन का चांस अहमद शहजाद ले और उस एंड से जो बॉल करे या आशीष करे जो भी करे उस पे चांस शर्जील ले। गैप में दे मारा है चार रनों के लिए, ओवर की समाप्ति चौके के साथ 24 बिना किसी नुकसान के। जो 18 ओवर का ये मैच है, 5 ओवर है पावर प्ले में और 3 बॉलर अधिकतम 4 ओवर कर सकते हैं। बॉल इतना टर्न हो रहा है, मजा आ रहा है, फिर अंदर आते हुए हैं अंपायर, गोल का क्या इशारा, कहा नहीं नहीं नीचे जा रहा है। एकदम खेल गया, अंदर का किनारा लगा, देखा होगा करीब से कि पढ़कर ये गेंद खेलना मुश्किल है जो सीधी रह जाती है, जो टर्न हो रही है मैं समझ सकता हूँ। करीब से देखते हैं, बिल्कुल पैड पे लगी और बाहर जा रही थी, और एक बार फिर बहुत ही बढ़िया गेंद, ये तो नाच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ओवर की समाप्ति 34 पर, कोई आउट नहीं 7 ओवर के बाद। हवा में गेंद, पीछे फील्डर, पहला झटका, क्या कैच पकड़ा है, क्या क्या बेहतरीन कैच, ओहो इतना बढ़िया कैच, ये आप दिन रात देख सकते हैं। उनको चोट जरूर लगी लेकिन सर के बल जब बाजी ली तब उनके सर पे चोट लगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच, हाथ से गेंद नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किल है यहाँ बल्लेबाजी, लेकिन अच्छी बात यह है पाकिस्तान के दृष्टिकोण से कि 9 विकेट हाथ में है अगले 10 ओवर में, अच्छी चीज है ये। जी हाँ, चांस ले सकते हैं, अफरीदी चांस लेने के लिए आए हैं, और ये देखिए विकेट कैसे गिरा, और जिस चीज के लिए मशहूर है वो किया नहीं लेकिन सीधा पुल मारा उन्होंने, लेकिन बड़ा जोर का मुंह लगा, ये देखिए ये कैच किया, ये मुंह लगा उनका, नाक और मुंह पूरा स्लैम किया ग्राउंड पे, लेकिन तारीफ होगी गेंद नहीं छोड़ा। अक्सर जब इतना जोर से सिर लगता है तो छोड़ देते हैं। ये देखिए अफरीदी ऐसी पिच का प्लेयर नहीं है, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जब बॉल इतना टर्न कर रहा है शोएब अख्तर, थोड़ा सा कठिन होगा उनके लिए। जी हाँ, ओ ये देखिए, ये देखिए कैसे खेलेंगे यहाँ पे आप। पाकिस्तान के पास चांस था कि फास्ट बॉलर पर रन करे, और लीजिए मौका हासिल किया अहमद शहजाद ने, बहुत ही अच्छा शॉट खेला, बॉल ट्रेवल करेगा नहीं,
और अहमद शहजाद चलते हुए पेस नहीं दे सकते आप, पेस के खिलाफ बल्लेबाजी आसान है। बुमराह का फिर और उठता हुआ शॉट मारा, कैच हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, आउट। अहमद शहजाद जाते हुए और बुमराह कामयाब होते हुए। जडेजा थे फील्डर और एक और विकेट इंडिया के खाते में। बुमराह ने किया एक और बल्लेबाज को गुमराह। बहुत बढ़िया फॉर्म में है यह युवा गेंदबाज। 46/2, 25/6 शहजाद आउट। हवा में गेंद, बाउंसर थी, एक बाउंस चौका। तो इस ओवर में चौका, विकेट और चौका। और उसके उसका इंतजार कर रहे थे उमर अकमल। ये गैम्बल सा लिया था महेंद्र सिंह धोनी ने कि या मैं सुरेश रैना से करूं या युवराज सिंह से करूं या हार्दिक पंड्या से करूं, शायद बाउंसर पे आउट करना चाहते थे। शॉट लगाया जरूर फील्डर के हाथ में, विराट कोहली ऐसी कैच छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान अब काफी काफी कठिनाई में, 3 विकेट पर 60। और जिस मकसद से शायद अफरीदी आए थे वो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए और जो धीमी गेंद थी उस पर आउट हो गए। ये फैसला सही चल निकला एमएस धोनी का। अफरीदी 8 रन बनाकर, 3 विकेट पर 60 पाकिस्तान। अब कैसे खेलेंगे पाकिस्तान के बल्लेबाज, क्योंकि विकेट गंवा चुके हैं। लगी जरूर गेंद और ये ओवर तो 4 बनेंगे। बस ये देखना है कि अंपायर ने इशारा करेंगे कि नहीं, किया है अंपायर ने इशारा, लेकिन कोई इतने उत्सुक नजर नहीं आ रहे हैं फील्डर। He's down anyway. Bale doesn't come off, so it's, decision is not out. Load not out. But not out ka ishara, aur not out ka ishara bilkul lazim mumkin tha. Shayad 4 ya 2 to zarur bachaye yahan pe Rohit Sharma ne. Poop kiye dekhi. Wah, mere khayal se 4 run hote the wo. Bilkul. शॉट सही खेला शोएब मलिक ने, पहला छक्का इस मैच का। और कितनी जल्दी परख लिया उन्होंने कि ये गेंद है, शायद दोबारा ना मिले, पूरा फायदा उठा लो। जी हाँ, ये देखिए ऑफ कटर था लेकिन उनके रेडार में, आर्क में था। और शोएब मलिक पसंद करते हैं मिड विकेट के ऊपर से मारने की, तो ये एक बड़ा झटका। 5.5 की औसत से रन बन रहे फिलहाल पाकिस्तान के। एक और शॉट खेला उन्होंने, एक और बाउंड्री के बाहर छक्का, बहुत महंगा ओवर। 15 रन बने उस ओवर में, सख्त जरूरत थी पाकिस्तान को, भारत को नहीं। 3 विकेट पर 82। एक और फुल टॉस और एक और चौका, एक और महंगा ओवर भारत के लिए। स्वीप की अच्छी शॉट, जबरदस्त शॉट, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट मिड विकेट और स्क्वेयर लेग फील्डर के दरमियान, और इसके साथ ही पाकिस्तान की जीत का 100 मुकम्मल। ये बेहतर, थोड़ा और ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा और तेज, और साझेदारी, बहुत अहम साझेदारी। 41 रनों के हो चुके हैं साझेदारी 24 गेंदों पे। देखिए पिच की पे हम जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से घूम रहा है ये पिच, बहुत तेजी के साथ। और खासकर जडेजा की बात करें तो वैसी तेज डालते हैं। एक और अपील और एक और विकेट। साझेदारी जो बहुत ही अहम बनती जा रही थी उसको तोड़ने में सफल हुए जडेजा। एक बार और तेजी के साथ गेंद घूमा उमर अकमल, जो कि कट बहुत बेहतर लगाते हैं लेकिन इस बार नाकामयाब रहे। लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ अगर आप देखें तो ज्यादा बाहर रहा हाथ, विकेट गिरता उनका, लेकिन इस बार 22 रन बनाने में कामयाब। एक से एक विचार। और देखिए गेंद उन्होंने मारा है शॉर्ट पाइन लेग के ऊपर, और अश्विन ने बेहतर कैच पकड़ा। आशीष ने रखी है पहली सफलता इस मैच की, 105/5। बहुत बड़ी सफलता, पहली और बड़ी सफलता। अभी आप कह रहे थे अगर शोएब मलिक खड़े रहे आखिरी तक तो ये स्कोर कहीं और जा सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बहुत ही अहम बारी खेल के जाते हुए शोएब मलिक 26 रन बनाए 105/5। दोबारा पैडल स्वीप और इस बार गैप ढूंढने में कामयाब, बहुत ही ज्यादा बढ़िया शॉट। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ ये विकेट देख के, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या विकेट बनाई है। आई कैन इमेजिन बारिश हुई है आज सुबह, मगर जब तक आप विकेट पे घास नहीं छोड़ोगे थोड़ी सी, स्पेशली यहाँ की विकेट पे,
रोल नहीं करोगे क्योंकि ड्राई होगी तो ऐसी ही है जी वसीम भाई। थोड़ा घास भी होता है इस विकेट पर तब भी बॉल ग्रिप जरूर करता है, ये हमने आईपीएल में देखा और ये नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन एमएस के हाथ से रन भागे, मिस विस्टम्स और एक बाई का रन। आखिरी गेंद है इस मुकाबले की पाकिस्तानी बल्लेबाजी की, पहली इनिंग की, देखते हैं, देखना है कि वो 120 से ज्यादा बना पाते हैं या नहीं। और वसीम भाई आपने पिच के बारे में कहा था काफी हद तक क्योंकि पूरा दिन आज कवर के नीचे था तो शायद इसके लिए ज्यादा मदद स्पिनर के, लेकिन आखिरी गेंद स्लो और एक बार दोबारा और एक अच्छा बेहतरीन आखिरी ओवर, 7 रन आए ओवर से 118 पे 5, 18 ओवर्स का ये मैच रहा है और 118 पे 5 बना पाई पाकिस्तान। मोहम्मद आमिर शुरुआत करेंगे। जी शुरुआत करेंगे मोहम्मद आमिर, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। वसीम भाई अब दिमाग में क्या चल रहा होगा मोहम्मद आमिर के? आई थिंक ऑब्वियसली नई गेंद से विकटें चाहिए, पहले 5 ओवरों में 1-2 विकटें मिल जाएं तो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। आप देखना ये है कि स्विंग होता है नहीं होता, कोशिश की थी अंदर आए मगर बॉल सीधा रहा इसीलिए रोहित भी बीट हुए। एक स्लिप रखी है और इसी कारण स्लिप काफी बाहर है क्योंकि बॉल अंदर की तरफ शेप नहीं हो रही, काफी बाहर वाइड और इसी के साथ भारत का खाता खुला। मोहम्मद इरफान गेंदबाजी करेंगे, पाकिस्तान ने स्ट्राइक में 4 तेज गेंदबाजों को सिलेक्ट किया है लेकिन 4 अच्छे बॉलर हैं, ये ज्यादा है, बेहतरीन शॉट, बस थोड़ी जगह चाहिए थी और अपने ही आंगन में चौका लगा दिया रोहित शर्मा ने। क्या जैसे दिल स्कूप है शायद ये भी वीरू स्कूप हो सकता है और ये जरूर देखना होगा यहाँ इरफान को, अगर थोड़ा भी रूम देते हैं तो रोहित शर्मा जब अपने हाथ खोलेंगे तो बेहतर प्लेयर होते हैं तो उन्हें उनके हाथ ना खोलने दिए जाएं कट पे या कवर्स की तरफ, अगर वो ऐसी गेंदें मिलती रही तो इसी प्रकार के चौके मारते रहेंगे। देखिए किस प्रकार पॉइंट के ऊपर से खेला 4 रन के लिए, पहले 5 ओवर बड़े ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए पावर प्ले के, बिकॉज उसमें अगर ये 30-35 कर जाते हैं तो प्रेशर उतर जाएगा, ये क्रूशियल है। अराउंड द विकेट आएंगे ताकि रूम ना मिले, डाउन लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड, ये शॉट बेहतरीन खेलते हैं, बहुत जल्दी उन्होंने परखा के ये शॉट है यहां पे मार सकते हैं। ये मोहम्मद आमिर दूसरी ओवर कर रहे हैं, ऊपर फील्डर है उसके नीचे और पकड़ लिया आखिर और बहुत कीमती विकेट ये पाकिस्तान ने हासिल कर लिया, बहुत देर ऊपर थी, मुझे लगा थोड़ी बारिश ना ले आए नीचे लेकिन ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए क्योंकि रोहित शर्मा बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, यहाँ पे रन बड़े अच्छे करते हैं, ईडन गार्डन में 10 रन बनाकर आउट हो गए भारत 1 विकेट पर 14। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला पॉइंट की दिशा में, दोनों फील्डरों के बीच से 4 रन मिलेंगे शिखर धवन को 22 पर 1। प्लेड ऑन, तेज आई गेंद और पहली गेंद पर चौका खाने के बाद बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है यहाँ मोहम्मद शमी ने और अब ये भारत ने दूसरा विकेट खोया, 2 विकेट पर 23 और शिखर धवन आउट हो गए सिर्फ 6 रन बनाकर। T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर स्ट्राइक रेट 133 का सुरेश रैना का, ये भी ऐसे खिलाड़ी हैं अगर रुक गए तो भारत को अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता था यहाँ कि जैसे ही चौका लगता है तो वसीम भाई शांत हो जाते हैं, जैसे विकेट गिरता है तो सवार इसी बीच एक और विकेट और खुशी का ठिकाना नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स का और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट वो भी सुरेश रैना की, पहली ही गेंद इनसाइड एज मेरे ख्याल में और उनकी विकेटें उड़ गई। भारत के इस वर्ल्ड T20 के ख्वाब कुछ लड़खड़ा रहे हैं यहां पर, सुरेश रैना पहली ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए और अब 3 विकेट पर 23 भारत। हैट्रिक का मौका है यहां पर मोहम्मद शमी को, हैट्रिक बॉल, अभी हाल ही में PSL में भी उन्होंने हैट्रिक ली थी, 2 स्लिप, तेज कर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं, तेज कर रहे हैं। यहाँ पे विराट कोहली का एक अच्छा शॉट पॉइंट के छोर से 4 रन के लिए, विराट कोहली स्पेशल था ये, सब एक बार फिर तेज भागते हुए तेज करेंगे लेकिन बेहतरीन शॉट युवराज सिंह का, क्या रोक पाएंगे
नहीं, चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर युवराज सिंह। देखिए अच्छे पोजीशन में आए, पावर के साथ, नेचुरल क्रिकेट शॉट कहते हैं जिसे, टेक्निकल कवर ड्राइव। आमिर ने अच्छा रोकने का प्रयास किया लेकिन गेंद बाउंड्री को छूती हुई। ये बाहर निकलता हुआ बॉल, यहाँ पे शायद अफरीदी को लगानी चाहिए इससे। अब बात कर रहे हैं दोनों क्या करना चाहिए, ये कह रहे हैं यार लगा लेनी चाहिए थी। ये अश्विन जैसी डिलीवरी थी जो आज हमने बहुत बार देखी, हवा में थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रिफ्ट, एंगल वैसा है, पढ़ने के बाद स्पिन, उछाल, स्लिप नहीं तो नुकसान नहीं। क्या नहीं? और एक रन के साथ भारत का 50 पूरा, अब चाहिए सिर्फ 69 रन जीत के लिए। याशल, खुजा, खुजा, खुजा। एक रन तो बहुत आसानी से विराट कोहली दूसरे के चक्कर में और बटोर लिया, आंख के नीचे से ले गए हैं दूसरा रन, मौके बाद 54 पर तीन। मैच अभी भी संतुलित, तो विराट कोहली ने अपने हिप्स के बल खेला है, चार भी हो सकते हैं यहाँ पे, देखना होगा क्या होगा, और ये चार हो गए। देखिए डाइव मारना भी एक आर्ट है, उसको रोकना भी आर्ट है। पर तीन भारत 10.3 और इस छक्के की मदद से 70 पर तीन हो गए हैं। रन बाकी है जो 49। देखिए किस प्रकार कोहली ने ये घुटना टेका और स्वीप किया, शायद टॉप एज लगा था लेकिन फिर भी कैरी किया बाउंड्री लाइन तक और 6 रन। ये अच्छी बात ये है कि दबाव डाल रहे हैं स्पिनर के ऊपर, क्योंकि ऑफ स्पिनर है, विद द टर्न आप खेल सकते हैं शॉट। जी हाँ, पाकिस्तानी गेंदबाज कह रहे होंगे कि उन्हें कोहली से डर नहीं लगता लेकिन कोहली से डर लगता है। जी हाँ, कोहली से डरना जरूरी, और एक बार फिर स्वीप किया, इस बार मिड विकेट के लेफ्ट हैंड की तरफ से मारा, 4 रन। डाउन द ग्राउंड था, कारपेट पर बॉल जा रही थी, जैसे कारपेट बिछा रखा था ईडन गार्डन पर, और उस पर गेंद बड़ी तेजी से जा रही थी सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, 50 रन का पार्टनरशिप भी पूरा हुआ वो 4 रन से, और कितना बढ़िया शॉट। दूसरा ओवर उनका, पक्की गेंद बल्ले के पीछे बीच लगी और सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। जी हां दीप, युवराज सिंह, युवराज सिंह वो कुंभकर्ण है जो आज शायद जाग गए हैं। अगर जो कुंभकर्ण जाग गए हैं तो वो शायद पाकिस्तान के गेंदबाजों को भगा देंगे। देखिए किस प्रकार, बैकअप लाइन बॉल थी, मिड विकेट के ऊपर उन्होंने बेहतरीन एक छक्का लगाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, गलती कर बैठ रहे बहाव रियाज। इस विकेट में आप जितना तेज डालते हैं उतना आसान होता है बल्लेबाज के लिए, और युवराज सिंह कितना बढ़िया टाइमिंग। एक बार फिर पुल किया, देखना कि मिड विकेट के क्षेत्र में खड़े फील्डर के हाथ में कैच दिए दिया युवराज सिंह, ये मिस हिट था, उनके बॉटम पर लगा और आउट हो गए। अभी जब ही हम सब लोग खुश हुए थे लेकिन अब निराश होना पड़ेगा, युवराज सिंह आउट होकर जा रहे हैं 84 पर 4। एक बहुत ही अहम पारी लेकिन बहुत अहम वक्त पे वापस जाते हुए युवराज सिंह 24 रन बना के 84 पे 4। 35 रनों की जरूरत 36 गेंदों में, नए बल्लेबाज कप्तान एम एस धोनी, और ये देख के बहुत ही प्रसन्नता होती है कि ऊपर आए हैं, नहीं तो काफी मैचों में देखा है हमने कि पांड्या को ऊपर भेजते थे। जी हाँ, भारत के कप्तान एम एस धोनी T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर स्ट्राइक रेट 121 का, और ऐसी सिचुएशन के सबसे महानतम बल्लेबाज हैं एम एस धोनी। गेम को ख़त्म करना जानते हैं, अपने साथ खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं, लेकिन विराट कोहली इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, कवर के पास से खेला और 4 रन देखने को मिलेगा, और उत्साह बढ़ता हुआ ईडन गार्डन के दर्शकों में। मेरे हिसाब से सुपर से भी ऊपर था, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव देखना, और ये 4 रन कोहली के बल्ले द्वारा। आज ऐसा लग रहा है कोहली का बल्ला आग उगल रहा है, 99 पर 4। आफरीदी चौथा ओवर उनका, काफी समझदारी के साथ कप्तान एम एस धोनी खेलते हुए, हवा में था लेकिन आराम से एक रन लिया, 100 रन पूरे हुए। एक बार फिर कोहली ने कवर ड्राइव खेला है अफरीदी को, और ये 4 रन।
जी हाँ, इस बल्लेबाज की तो जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। टाइमिंग लाजवाब, 49 में है अभी, सिर्फ एक रन चाहिए अर्धशतक के लिए। ये देखिए बढ़िया टाइमिंग, दोबारा गैप पे धकेला है, बाउंड्री तक तो नहीं पहुंचेगी। सिंगल के साथ अर्धशतक पूरा किया विराट कोहली ने, एक और बेमिसाल पारी। 34 गेंदों पर 50 रन, 6 चौके और 1 छक्के की मदद से डॉट बॉल परसेंटेज है उनका 24 और बाउंड्री प्रतिशत है 60। जी हाँ, इस खिलाड़ी की तो जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, ऐसे खिलाड़ी शायद कम ही पैदा होते हैं। तो ये कट मारा है, आप देख रहे हैं बेहतरीन शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट खेला कोहली ने, 4 रन, भारत केवल 8 रन दूर। और इस बल्लेबाज की हम बार बार यही कहेंगे कि जितनी भी तारीफ करें उतनी कम, आज ऐसा लग रहा है कोहली की बैटिंग से सेटिंग हो गई है। और ये सीधे मिडॉन के ऊपर चल लगाया छक्का, और मैं यही कहना चाह रहा था कि रन केवल 7 रह गए, एमएस धोनी जरूर चाहेंगे वो छक्के से इस मैच को खत्म करें, लेकिन अभी भी 1 रन चाहिए भारत को, और अभी भी शायद एमएस धोनी एक और छक्का लगा सकते हैं इस मैच को खत्म करने के लिए। अब तो कह सकते हैं कि भारत की जीत सुनिश्चित हो गई है दीप, बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है, टाई तो हो ही गया और छक्के के साथ टाई किया, और अब देखने की क्या छक्के के साथ मैच को जिता भी सकते हैं कि नहीं एमएस धोनी, फ्लैट छक्का। जी हाँ, कोई नहीं चाहेगा ये एमएस धोनी किस प्रकार जिताते हैं, छक्के से जिताते हैं, चौके से या एक से, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए भारतीय दर्शकों को, जो कि आज विराट कोहली के बल्ले से निकली है। और इसी बीच मिड विकेट के क्षेत्र में खेला और 1 रन, भारत की ये ऐतिहासिक जीत पाकिस्तान पर, और T20 वर्ल्ड कप में अपना रिकॉर्ड कायम रखा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, 5-0 हो गया है अब। कितना बढ़िया जीत ये इंडिया के लिए, नागपुर में आ रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आज मुश्किल विकेट के ऊपर जो तरीके से विराट कोहली ने मैच विनिंग बारी खेला, लाजवाब, बहुत खुश पूरा भारत। वीरू और लक्ष्मण दोनों को ये भी बताना जरूरी है कि 6 विकेट से जीते और 15.5 ओवर में जो पिछले मैच में बड़े मार्जिन से हारे थे उसका काफी हद तक भरपाई कर लिया है इस मैच में।